ओके सो वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल वीडियो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन दैट इज हाउ टू स्कोर इन एवरी सब्जेक्ट्स नो ये बहुत हॉट टॉपिक है कि यार हर बच्चा चाहता है कि मेरे को एक एग्जामिशन मिल जाए कम से कम एक सब्जेक्ट में मिल जाए लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपको एग्जामेशन कैसे मिल सकता है अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से महसूस किया है गौर फरमाया है एंड मेहनत किया है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर देन यू विल डेफिनेटली गेट एग्जामेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स ओके दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हाँ जी हर सब्जेक्ट में हम लोग बेहतरीन नहीं हो सकते लेकिन अगर हम लोग कोशिश करेंगे अगर हम लोग ये सोच के जाएंगे कि मेरे को हर सब्जेक्ट में लाना है तो कम से कम दो तीन चार सब्जेक्ट में तो आ ही जाएगा आपका ठीक है तो इस प्रकार से आपको मेंटेलिटी जो है वो बिल्ड करना है ऐसा नहीं कि यार मेरे को कंपनी लॉ में लाना है मेरे को जी में लाना है हाँ वो तो लाना है आपको टारगेट सेट करना है लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाने की कोशिश करना है सो so देट आप कम से कम सब्जेक्ट्स दो तीन चार पांच लेकर हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है हमारे स्टूडेंट्स खुद ऐसे हैं जिन्होंने आठ सब्जेक्ट पेपर जो है उन्होंने, किया, तो 5, में उन्होंने जरूर एग्जामिशन uh, है वो हासिल किया है विद ऑल दब्जेक्ट ओके तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ये है कि यार सबसे टफ टफ सब्जेक्ट है एग्जामिशन लाना वो है कंपनी लॉ नॉर्मली एवरी सब्जेक्ट हैव इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ठीक है आ, अच्छा तो एक बात तो यह है कि यार हर सब्जेक्ट में कुछ स्ट्रांग पोर्शन रहता है कुछ वीक पोर्शन रहता है अब पगलो यार अगर हम लोग कंपनी लॉ के बारे में बात करें तो कंपनी लॉ डिवाइडेड है इनटू पार्ट पार्ट ए बी एंड सी पार्ट सी अगर देखा जाए तो यार कंपनी लॉ का बहुत वीक है मतलब स्टूडेंट्स का वीक नहीं है कंपनी लॉ सब्जेक्ट का ही पार्ट सी बहुत वीक है क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग है तो इसमें हम लोग जो है फोकस करेंगे इस पोर्शन को हम लोग जो है मास्टर करेंगे एंड देन जाएंगे पार्ट बी में देन जाएंगे पार्ट ए में ठीक है आपको पता ही होगा कंपनी लॉ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट्स को पहचानना है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन सा वो एरिया है जो कि बहुत ईजी है उसमें अपने को टेन ऑन टेन मार्क्स जो है स्कोर करना ही होगा उस एरिया में वो आपको ध्यान में रखना होता है तो कंपनी लॉ एक ऐसा पेपर है जो कि बहुत टफ है नॉर्मली स्टूडेंट्स पास ही नहीं कर पाते एग्जामिशन तो दूर का बात है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कंपनी लॉ के ऊपर आप अगर पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको जानना यह बहुत जरूरी है पहला चीज ये है देखो कंपनी लॉ एग्जामेशन इज टफ वी ऑल नो दिस बट कैन वी एक्सपेक्ट एनी एग्जामेशन येस हाउ हाउ टू एक्सपेक्ट एनी एग्जामेशन फ्रॉम कंपनी लॉ कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दो सबसे पहला ये है कि फिगर आउट द एरिया ऑफ स्कोरिंग कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे हम लोग स्कोर कर सकते हैं जैसे मैं हमेशा बताता हूं पार्ट बी एंड पार्ट सी इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया तो सबसे पहली बात यह है कि यार ये तो एरिया तो फिगर आउट कर लिए ओवरऑल पेपर की अगर अगर मैं बात करूं ओवरऑल पेपर में तो कैसे हम लोग हर एक एरिया में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चार मार्क का आंसर लिखा है तो मैं कोशिश करूं कि तीन मार्क तो मेरे को कम से कम मिल जाए तो उसका एक मार्क जो है ना वो तो मैं आपको ऐसे ही बता सकता हूं कि एक मार्क आपको डेफिनेटली मिल जाएगा अगर आपने एक पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो तो वो है कोटिंग द सेक्शन नंबर्स अगर आपने सेक्शन नंबर कोट कर रहे हो ट्रस्ट मी गाइज जहां पर आपको दो मिलना था आपको तीन मिलने ही वाला है क्यों मिलने वाला है क्योंकि उसमें गुड इंप्रेशन गिरता है

एग्जाम इंप्रेस हो गया तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलने वाला कैसे इंप्रेस करना है हाजी सेक्शन नंबर कोड करके सेक्शन नंबर प्रॉपरली कोट करने करके ठीक है एक्स्ट्रा नहीं है अगर मैं एक्स्ट्रा बोलू तो यह एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है यह आपको दिया जाता है जस्ट बिकॉज यू हैव मैंक्शन नंबर एंड यू नो आपने हार्ड वर्क किया है आपने सीखा है सेक्शंस को इसके बदौलत आपको एक मार्क जो है, वो डेफिनेटली स्कोर करने को मिलता है एक एक आंसर में अगर आपको एक एक मार्क ऐड हो रहा है तो सोचो यार एग्जामिशन क्यों नहीं मिलेगा है ना दूसरा एक तरीका होता है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलता है वो है यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन पे ये अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये ग्रेस मार्क ही है पकड़ लो ठीक है ग्रेस मार्क है पकड़ लो एग्जाम एग्जामिनेशन का पेपर कितना टफ था किस प्रकार से पेपर कंडक्ट हुआ एंड ऑल दिस के ऊपर जो है आ, आपको मार्क्स दिया जाता है नॉर्मली अगर हम लोग बत, बताए तो ये ग्रेस मार्क ही है तो एक चीज समझो अगर किसी बच्चे को ग्रेस मार्क मिल रहा है कौन से बेसिस पे ग्रेस मार्क मिलेगा ये एक बार सोच लो तुम एग्जामिनर आपका पेपर देखेगा हाँ ग्रेस मार्क नॉर्मली मिलता है अबॉन दी यू नो कितना टफ था एग्जामिनेशन एंड ऑल दिस बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसिडर किया जाता है एंड एग्जामिनर के दिल और दिमाग में क्या है वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा लेकिन हाँ यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने का एक अच्छा तरीका होता है कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करके रखो अगर आपने अच्छे से अच्छा पेपर नहीं भी लिखा है लेकिन फिर भी आपका प्रजेंटेशन अच्छा है आपका प्रॉपरली आपका राइटिंग अच्छा है ठीक है आपने सीक्वेंस में सब कुछ लिखा है तो यहाँ पे हाई चांस मिलता है इस वाले कैटेगरी में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के लिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम जो है बहुत सारे पेपर्स ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने बहुत अच्छा पैटर्न मेंटेन करके रखा है जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है जिन्होंने सब कुछ फॉलो किया है लाइक राइटिंग विद ब्लू पेन अंडरलाइनिंग विद ब्लैक पेन एंड ऑल्स एट द सेम टाइम दे आर अंडरलाइनिंग द की पॉइंट्स दे आर द सेक्शन नंबर्स ठीक है पॉइंट्स के हिसाब से लिखना तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है जिनको अच्छा मार्क्स मिला है इन द सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन ठीक है इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है विद द प्रेजेंटेशन लेकिन फिर भी देखा गया है कि यहां पे अच्छा मार्क्स मिलता है ट्रस्ट मी ठीक है

तो ये यू हैव टू दिस दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक डूइंग दिस स्टाफ ठीक है समझ में आ चुका है कंपनी लॉ में कैसे अर्न करना है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भैया सेक्शन कोट करो एंड अपना प्रेजेंटेशन सही रखो कंपनी लॉ में बाकी तो एग्जामिनर जो है वो तो देखो कंपनी लॉ एस बी सी कुछ ऐसे पेपर से जहां पे आपको बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है आपको प्रेजेंटेशन uh, बनाना होता है ठीक है ना तो उस प्रकार से आपको बहुत मेहनत लगता है कंपनी लॉ में तो वो सारा मेहनत करो यू विल गेट डेफिनेटली गेट ब्यूटीफुल मार्क्स इन यूनिफॉर्मिटी इन मॉडरेशन ऑल्सो एट द सेम टाइम कोटिंग सेक्शन नंबर्स एड्स ग्रेट ग्रेट मार्क्स टू योर आंसर पेपर ठीक है दिस इज ट्रू दिस इज वेरी ट्रू ठीक है चलो समझ में आ चुका है कंपनी लॉ समझ में आ चुका है बाकी के जो चार सब्जेक्ट है ना इसमें कुछ चीजें सिमिलर है जैसे कि जेआईजल के अगर बा, मैं बारे में बात करूं मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा इस सब्जेक्ट के बारे में ठीक है कि ये सब्जेक्ट आपको कैसे अप्रोच करना है देखो जेआईजीएल में ना आपको पूरा एग्जैक्टली exactly लैंग्वेज जो है ना एग्जामिनेशन आपका मॉड्यूल का लैंग्वेज जो है वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि मॉड्यूल में जो लिखा है उसी प्रकार से मेरे को छापना है ऐसा नहीं है जेआईजल में ऐसा नहीं है जेआईजल में आप डिट्टो पॉइंट लिखो पॉइंट के हिसाब से लिखो जो वर्ड्स जो एसेंशियल वर्ड्स है की वर्ड्स है उसको मैंशन करो तो देखोगे देखो जॉन ऑस्टिन ठीक है फॉसफा ये सारे जो वर्ड्स हैं ना ये सारे मेंशन करो अंडरलाइन करो ये सारे जैसे जैसे आप लोग मेंशन करोगे अंडरलाइन करोगे एग्जामिनर को दिखेगा जल्द से जल्द दिखेगा एंड वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको कोट करेगा ठीक है ये सही बात है जे एजेल में आपको कंपनी लॉ जैसा लिखना नहीं है कंपनी लॉ में आपको बहुत ज्यादा मेनटेन करके रखना होता है इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज ठीक है मेटेरियल का लैंग्वेज आपको मेंटेन करने की जरूरत है कंपनी लॉ एसबीसी कभी कभार एसबीसी क्योंकि एसबीसी ऑन द ग्रेटर साइड अगर आप देखो तो एस बी सी इज एक्चुअली द सेम एज कंपनी लॉ मोर टफर देन कंपनी लॉ वु से ऐसा आपको फील होगा एग्जामिनेशन में क्योंकि केस लॉ वगैरह बहुत डीपली पूछा जाता है फ्रॉम एस बी सी ठीक है इस बात का ध्यान रखना है तो जी आई मैंने आपको समझा दिया जे आई में आप अपने लैंग्वेज में लिखो लेकिन की पॉइंट्स को जरूर कोट करके आना है तब जाके आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा ठीक है अगर आप केस लॉ पढ़ रहे हो जे आई में आपको देखोगे बहुत सारे केसेस है राइलेन वर्सेज दैट ठीक है तो ये सारे केसेस अगर आपको मतलब आप याद रख पा रहे हो तो बहुत बेहतरीन है आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल मिलने का चांसेस रहेगा इन जी ये समझ में आ चुका है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर बहुत बवाल है आगे बढ़िए आगे ऐसा है एस में मैंने आपको पहले बताया एस कंपनी लॉ में जो मैंने एडवाइस दिया वो सेम टू सेम रहेगा एस में फोकस करो पार्ट सी एस में फोकस करो पार्ट सी से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निचोड़ डालने के लिए अगर आप पार्ट सी से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स निचोड़ रहे हो तो आपके बाकी पार्ट बी एंड पार्ट ए में से अगर कम मार्क्स भी एग्जामिनर आपको दे रहा है तब भी आपका चल जाएगा क्योंकि आपको आता है एंड हां यहां पे एस बी ई सी में ध्यान रखना है आपको फॉर्म नंबर सेक्शन नंबर कंपनी लॉ में जैसा है वैसा है सेम टू सेम आपको एस बी सी में भी लिखना है ठीक है प्रेजेंटेशन सब कुछ ये दोनों मेंटेन करके रखना है फॉर एस बी सी एंड कंपनी लॉ बोथ ठीक है बहुत स्ट्रिक्टली लिखना है एंड पार्ट सी कुछ ऐसा है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है कम डेटा में आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाता है पार्ट सी में से तो इस बात का ध्यान रखना है फॉर इन केस ऑफ एस ठीक है समझ में आ चुका है अगर हम लोग बात करें ईबीसीएल के ई बी सी एल में भैया लॉटरी लॉटरी चैप्टर्स के ऊपर ध्यान रखो लॉटरी चैप्टर है पार्ट बी दैट इज कंपटीशन एक्ट में इतना ज्यादा मार्क्स आपको मिल रहा है एम करो कि यार कंपटीशन एक ही चैप्टर पढ़ेंगे बवाल पढ़ेंगे एंड कुछ साथ में चैप्टर पढ़ेंगे पास मार्क से ज्यादा लेकर आ, आ जाएंगे इस प्रकार का अगर एम है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जो आपका लॉटरी चैप्टर्स होते हैं ना, जैसे कंपटीशन एक्ट एंड ऑल ये सारे चैप्टर्स आपको हेल्प करता है एग्जामिशन लाने के लिए मैं ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिशन तो EBCL में ऐसा है भाई मेरे एक्ट कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको लॉटरी है ये आपको help करेगा ज़्यादा तो तो लेकिन पार्ट बी बवाल मार्क्स लेकर ले आना है सर ईबीसीएल में आप लोग कैसे लिखे किस प्रकार से लिखे हैं क्या अपने को डिटो आंसर जो है, वो सेम सेम करना होता है ऐसा नहीं है ईबीसीएल समझ के जाओ अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखो आंसर्स मेक श्योर द मीनिंग ऑफ नॉट चेंज्ड और ठीक है है मत करो answer properly draft करो पूरा पूरा marks मिल जाएगा ऐसा कोई जरूरत नहीं कि लिखना है, institute के हिसाब है? है. है? से लिखो भाई मेरे पॉइंट्स के हिसाब से लिखो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलेगा अच्छा इनकेस ऑफसीएम एस एलसीएम की अगर बात करें हम लोग एस एल सी एम पार्ट भी आपको पता ही है भैया फ्री लॉटरी लॉटरी चाप, दो ही चैप्टर है चाप्टर 15, चाप्टर 16. ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन के ऊपर ही पूछा जाता है इन दोनों चैप्टर में से तो फोकस करो कि यार पार्ट बी से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप लोग स्कोर कर पाओ है ना उससे क्या होगा कि पार्ट ए में से आपको अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है आपको कुछ नहीं आता है कुछ पोर्शंस तो तब भी चल जाएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लेकिन हाँ जो पोर्शन इजी है उसमें कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाए बाय हुक एंड बाय क्रुक समझ में आ चुका है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर बवाल और सर ये ये आप ना थोड़ा इसके बारे में बात कर दीजिए एमसीक्यू पेपर्स के बारे में मैं जो MCQ पेपर्स में बताने वाला हूं ना भाई मेरे ये शायद आपके प्रैक्टिकल टीचर भी ना बताए ठीक है सुनो सी एस का जो कोर्स है ना ये बोला जाए तो देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा थियोरिटिकल ही है पेपर्स ठीक है तो आपके जो ये जी एस आई मीन टैक्स है सी एम ए है एफ एम एस एम है इन सारे पेपर्स में से साठ से सत्तर क्वेश्चन सत्तर परसेंट क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के बेसिस पे बनेंगे फॉर्मूलाज के बेसिस पे बनेंगे मैं आपको बता दूं अगर आपका टैक्स का फॉर्मूलाज फार्मूलाज इन देंस क्या अरे जो लॉ है ठीक है जो रेट्स है वो वगैरह सी एम ए के फार्मूलाज एफ एम के फार्मूलाज भी अगर आपको आते हैं अच्छे से तब भी आप दस से पंद्रह मार्क जो है नॉर्मली स्कोर कर सकते हो आराम से जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला ओनली तो फार्मूला का मैं ऐसे बताऊंगा कि आप पेपर में लिख के रखो फार्मूला आगे 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 एंड डेली सुबह उठ के उसको रिवीजन करो भैया सच्ची में मैं बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में जो है आपको यही फार्मूला आपको बचा लेगा ठीक है, दस पंद्रह मार्क तो आप सिर्फ फॉर्मूला से ही स्कोर कर पाओगे ये प्रॉमिस है मेरा ठीक है उसके अलावा सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेपर इज कंप्लीटली थ्योरिटिकल तो ध्यान रखना है हम लोग थ्योरी जो है उसके ऊपर फोकस करना है ना कि बड़े बड़े सम्स करके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग प्रैक्टिकल करने लग जाओ उस उस पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है टेक्स में अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं सबसे पहले आपको जीएसटी खत्म करना है बहुत अच्छे तरीके से जीएसटी ऐसे कर लो कि आपके लिप्स में बैठ जाए जीएसटी के सारे रेट्स एंड जीएसटी के सारे कानून जीएसटी का सारा लॉ पूरा आपके मुंह पे बैठ जाए ये आपको ध्यान में रखना होगा समझ में आ चुका है ठीक है जीएसटी एंड कस्टम में से आपको बवाल मार्क्स स्कोर करना है एंड डीटी में से डायरेक्ट टैक्स में से आपको 20 मार्क भी अगर आप स्कोर कर लो तब भी बहुत है 20, 25, 30 मार्क भी अगर आप स्कोर कर लो तब तो भैया 70 के ऊपर आपको मिलने वाला डेफिनेटली तो इस बात का ध्यान रखना है टैक्स में कैसे पढ़ाई करना है अभी से अगर बैठ रहे हो तो डी में स्टार्ट मत करना बिल्कुल भी जीएसटी से शुरू करना है फिर कस्टम में जाना है फिर डी में जाना है इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको ठीक है सीएमए के अगर सीएमए के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया डू नॉट इग्नोर डू नॉट इग्नोर द थ्योरी डू नॉट इग्नोर द थ्योरी एट ऑल तो यू यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर द थ्योरी सी ए में थ्योरी बहुत आने वाला है मैं बताऊंगा आपको कि इंस्टीट्यूट के मैटेरियल थोड़ा बहुत आप रिसर्च करके जाओ टू क्वेश्चन जो है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बन जाता है छप जाता है इसलिए मैं बताऊंगा सीएमए में जो थियोरटिकल पोर्शन है वो डेफिनेटली आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही करो ना कि, कि किसी टीचर के स्कैनर से वो भी कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस बट ऑल्सो एट द सेम टाइम प्लीज डू नॉट इग्नोर इंस्टीट्यूट के मैटेरियल समझ में आ चुका है ठीक है भाई फॉर्मुला पढ़ के जाना भैया उसमें से बहुत मार्क्स स्कोर कर पाओगे एफ एम एस एम में से मैं बताऊंगा भैया एस एम इस प्रकार से कर डालो भाई मेरे एस एम इस प्रकार से कर डालो कि मतलब आपका कोई दिक्कत ही ना हो एस एम में से अगर आपने तीस मार्क भी स्कोर कर लिया पच्चीस मार्क भी स्कोर कर लिया और यहाँ पे आपने एफ एम में से तीस चालीस मार्क्स स्कोर कर लिया तब भी आपका बहुत ब्यूटीफुल मार्क्स बन जाता है लेकिन अगर आपको एग्जामिशन लाना है तो डेफिनेटली सिर्फ एफ एम पर के नहीं होगा एंड डेफिनेटली सिर्फ एस एम पर के नहीं होगा आपको एस एम करना है बहुत एंड देन करना है एस एम पूरा पूरा थ्योरी है पूरा थ्योरी आएगा एंड एफ एम में से साठ परसेंट क्वेश्चन आपके थ्योरी आने वाला है तो प्लीज थियोरिटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ के जाना है यह आपका पूरा गाइडलाइन रहेगा कि कैसे आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो कौन से सारी वो चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया करना है सेक्शन नंबर कोट करना है अंडरलाइन करना है पेन दो यूज करना है एक है फॉर राइटिंग दैट इज फॉर ब्लू ठीक है एंड दूसरा है ब्लैक पेन फॉर अंडरलाइनिंग द की वर्ड की जरूर अंडरलाइन करना है एक आंसर एक पेज में लिखना है ठीक है ये सारी चीजें जो है आप प्लीज प्लीज करो अच्छे से एंड कौन सा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करना है कौन सा पोर्शन पहले करना है कौन सा पोर्शन बाद में करना है वो भी आपको दिल और दिमाग में रहना होगा एग्जामिनेशन में अगर जा रहे हो आप एग्जामिनेशन लिखने तो अगर आप चाहते हो कंपनी लॉ के पार्ट सी से शुरू करना तो सी से भी कर लो जिस पोर्शन में जिस पार्ट में आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा से आता है उससे शुरू करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको ब्यूटिफुल मार्क्स मिलने वाला है ऑलसो एट द सेम टाइम अगर आप कोशिश कर पाओ कि क्वेश्चन नंबर वन से शुरू कर पाए फिर दो फिर तीन फिर चार तो बहुत बढ़िया बात, बात है आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा यूनिफॉर्मिटी मॉडरेशन पे भी एंड द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि मेरे को क्वेश्चन नंबर आता ही नहीं है तो प्लीज अटेम्प्ट मत करना क्वेश्चन नंबर से ही अटेम्प्ट करना या से पहले पेजेस के पहले आंसर्स में कभी भी मिस्टेक मत करना इस बात का ध्यान रखना है ठीक है तो ये रहेगा पूरा गाइडलाइंस आपका एंड अच्छे से करना है भाई मेरे एंड इंपॉर्टेंट uh, जो टॉपिक्स रहेंगे फॉर योर डिसंबर अटेम वो आज आने वाला है फॉर कंपनी लॉ तो स्टेट यून फॉर दैट तो आज के वीडियो में यही तक रखते हैं थैंक यू सो मच सोच हैप्पी हैप्प लूनिंग बाय एंड टेक केयर